तो जो सवाल लोगों ने बीसीसीआई से पूछा, बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को एक्सपेंशन कैसे दे दिया। ये सवाल हमने भी पूछा था कल के वीडियो में कि क्या हार्दिक पांड्या के लिए बीसीसीआई के नियम कानून अलग अलग हैं, और ये सारे सवाल बीसीसीआई के कानों तक पहुंच गई है कि फैंस भी लगातार ये सवाल बीसीसीआई से पूछ रहे थे। अगर ईशान किशन जैसा खिलाड़ी बाहर हो सकता है, श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी बाहर हो सकता है, तो फिर हार्दिक पांड्या क्यों नहीं बाहर हो सकते हैं? क्योंकि वो आईपीएल में 90% तक मैचों में फिट रहते हैं, और इंडियन टीम में खेलने की जब बात आती है तो वो मात्र 50% मैचों में ही खेल पाते हैं। बाकी 50% मैचों में वो रेस्ट करते हैं। बाकी टेस्ट को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद वो टेस्ट क्रिकेट से अनऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। पर अब इस पर बीसीसीआई ने भी हार्दिक को लेकर क्लियर कर दिया है, और बीसीसीआई ने ये भी बताया है कि हमने हार्दिक को क्यों सिलेक्ट किया है। हार्दिक पांड्या ने अपनी हेल्थ को लेकर बीसीसीआई को पहले से ही जानकारी दे रखी थी, और अपने फिटनेस के बारे में भी जानकारी दे रखी थी। इसके बाद ही बीसीसीआई ने यह तय किया था कि रेड बॉल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या को राहत मिलेगी, कि जब भी व्हाइट बॉल क्रिकेट का मैच होगा तब उन्हें खेलना पड़ेगा। यानी कि वो रणजी मैचेस नहीं खेल रहे हैं कोई बात नहीं, मगर जब भी बीसीसीआई का व्हाइट बॉल क्रिकेट मैच होगा वहाँ पे हार्दिक का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, वहाँ उन्हें मैच खेलने ही होंगे। अगर उनके स्टेट में T20 या ODI टूर्नामेंट होगा जो कि बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाता है, तो उसमें हार्दिक खेलते हुए नजर आएंगे। बीसीसीआई का कहना है कि हार्दिक पांड्या ने हमें एश्योरेंस दिया है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक मैचेस को लगातार खेलेंगे, और जब भी मौका आएगा तो वो टीम के लिए अवेलेबल रहेंगे। हालांकि ये सारे सवाल इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि हार्दिक वर्ल्ड कप के बीच मैच में ही चोटिल हो गए थे, और उसके बाद वो लगभग 6 महीने तक गायब हो गए थे। बड़े सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या गायब हो जाते हैं और जब आईपीएल आता है तो हार्दिक फिट हो जाते हैं। ट्विटर यूजर ने हार्दिक का एक स्टेटिक्स भी दिखाया था, इसमें हार्दिक 90% आईपीएल मैचेस खेले हैं, साथ ही साथ वो उन मैचेस में पूरी तरह से फिट भी रहे हैं, लेकिन जब नेशनल मैचेस की बात आती है तो वहाँ पर उनकी फिटनेस खराब हो जाती है, और आईपीएल आते ही वो कम्प्लीटली फिट हो जाते हैं। और यहीं से हार्दिक को लेकर सारा सवाल खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और उस समय तो उनकी स्टेट की रणजी मैचेस भी चल रही थी, वहाँ वो रणजी ना खेलकर अंबानी जी का एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, और इसको बीसीसीआई बड़े ही आराम से देख रहा था। इन सब के बावजूद भी हार्दिक को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि श्रेयस अय्यर रणजी खेलने को तैयार थे, सिर्फ एक मैच मिस किया जिसके चलते उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने 4 नंबर पर आकर कमाल के 500 से प्लस रन बनाए थे वर्ल्ड कप में, यहाँ तक कि वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भी शतक लगाए थे। फैंस के मन में ये सवाल लगातार आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने जब से इंडिया टीम के लिए डेब्यू किया है 160 T20 मैचेस में से उन्होंने सिर्फ 92 मैचेस खेला है, उन्होंने लगभग 62 मैचेस नहीं खेले हैं। अगर हम ODI मैचेस की बात करें तो हार्दिक पांड्या 156 ODI मैचेस में से उन्होंने केवल 86 मैचेस खेला है, सब में ऑलमोस्ट उन्होंने 50% मैचेस नहीं खेला है। मैचेस ना खेलने की वजह उनकी इंजरी बताई जाती है, और यहीं अगर हम आईपीएल की बात करें तो उन्होंने आईपीएल में 90% तक मैचेस खेल रखा है, टेस्ट क्रिकेट में तो सिर्फ उन्होंने 17% मैचेस ही खेले हैं। और यही सारे चीजों को देखकर हार्दिक के ऊपर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार इनके लिए ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हें हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है। हार्दिक के फैंस का कहना है कि हार्दिक एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो कि 140 प्लस गेंदबाजी करते हैं, साथ ही साथ ये बैटिंग भी कमाल के कर लेते हैं, तो इन्हें छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और हार्दिक का रिप्लेसमेंट भी अभी तक इंडिया के पास नहीं है, और शायद इसलिए बीसीसीआई हार्दिक को बार बार बैक करता है, क्योंकि बीसीसीआई के लिए हार्दिक पांड्या इस वक्त के सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर हैं। अब हार्दिक ने यह खुद कह दिया है कि हम अब डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे और बीसीसीआई की सारी बातों को मानेंगे, तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हार्दिक ये सारी बात मानते हैं। इन सब के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।